हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी शाम हो चुकी है, आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं शाम से, और अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं। तो बस अभी रेडी हुई थी मैं गुरुद्वारे जाने के लिए। काफ़ी दिन से आई हुई हूँ मैं घर पे, तो मैं सोच रही थी कि गुरुद्वारे होके आऊँ। काफ़ी दिन से बोल रही थी, और गर्मी की वजह से ना घर से निकलने का मन नहीं करता, तो मैंने सोचा कि चलो अभी गुरुद्वारे चलते हैं और दक्षु का भी माथा टिकवा के लाती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से बोला हुआ था कि चलो थोड़ा सा ना अरदास वगैरह करवा दूंगी अपने काम से रिलेटेड, और थोड़ा भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है बच्चे को। तो बस अभी गुरुद्वारे जा रहे हैं, अपने कॉलोनी के कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं हम, अपनी जो मेरी हमारे यहाँ कॉलोनी का लोकल गुरुद्वारा वहीं पे जा रहे हैं। तो वो अंदर बैठे हुए पापा, और हम सब रेडी हो चुके हैं। हलीन अभी रेडी हो रही है। ठीक है ठीक है, हलीन रेडी हो रही है, मैं दक्षु से मिलवा देती हूँ। दक्षु रेडी हो गया है। दक्षु इधर आओ, दक्षु सबको बोलो हाय। इधर आओ, उधर दीदी चेंज कर रही है कपड़े। हाय हाय, कैसे हो? हाय बोलो। मैं जय जय करने जा रहा हूँ, वाहे गुरु करने जा रहा हूँ गुरुद्वारे। बताओ सबको। मैं जा रहा हूँ कहना वाहे गुरु करने। बता दो सबको कैसे क्या करने जा रहे हो आप। वाहे गुरु यहाँ बताओ के वाहेगुरु करने जा रहा हूँ। तो बस अभी हरलीन बाहर एक्चुअली साइकिल चला रही थी, अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी, तो फिर अभी मैं इसे बाहर से बुला के लाएंगे। मैंने कहा चलो फटाफट रेडी होके गुरुद्वारे चलते हैं, और शाम को रहरास साहिब सुन के फिर आएंगे और अरदास वगैरह करवा देंगे, और थोड़ा सा अपने हाथों से प्रसाद चढ़ा देंगे। चले हो गए रेडी? अभी आप नहीं हुए? आप बहुत टाइम लगाते हो रेडी होने में। पहले मैं सूट पहनने लगी थी, फिर मैंने ये पहन लिया, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, मैंने सोचा। और यहाँ पे इतना खलारा इसलिए मचा हुआ क्योंकि सहज यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। सहज ने पढ़ाई कर ली है फटाफट से कि मुझे भी जाना है। तो चलिए गाइस, आपसे गुरुद्वारे जाके मिलते हैं फिर। जो सतगुर संग संगत नहीं आए कदी ना कर जीवास जिन मर जन सतगुरु सतगुर संगत पाए तिन्हों मस्तक ज्ञान दिखाए और समय मिल नानक नाम प्रकाश रब जिन लभिया पाए जिन चित रह उदम जमा हर जो प्रिया सर्व धर्म ने तो पाए ना कर जगा कर करिया मेरे मां गुरु जी सब संगत मिले सो तरिया गुरु प्रसाद जनन पिता लो सुनिता कोई ना किसकी करिया मैना एक दाते भिखारी जी सब तेरे चोट में डन्ना कहा बेदाना पे पता नहीं मुकुट विल कर न जाना तू बाहर हम क्या तबियत जी तेरे क्या गुना दुकाना जो सेवा जो सेवा तो जी जन्ना प्रमाण हर जावे हम जावे तो जी से जो मैं सुबह से सेम कदर मेरा त्याया दी तो तेरे
Thank you.
सो गाइस अभी आए हैं हम गुरुद्वारे से और गुरुद्वारे से लेके आए हैं प्रसाद, जो कि मैंने थोड़ा सा वहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया था जलेबी का। हाँ जी, ये देखिए घर पे रैप करके ले आई थी, मैंने कहा चलो घर पे जाके आराम से खिलाएंगे, फिर वहाँ पे ना बच्चे परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। तो सिला लिया? हाँ मैंने। लो शुरू प्रसाद खाओ। अच्छा जलेबी खा रहे हैं? लक्ष्य परेशान ना कर गाइस, लक्ष्य ने बहुत ज्यादा शरारत की आज गुरुद्वारे में। पहले जा गए सीधे ना गुरुद्वारे, अपा मतलब क्या करया होया है, किस तरीके ने बनाई है, हाल में देखी नहीं ना। हाय, कैसे हो? बोलो आज मैं गुरुद्वारे गया था। बोलो मैं आज गुरुद्वारे गया था। नहीं गाइस, ये अपने नान के आगे बहुत शरारती हो गया है। दक्षु, दक्षु इधर देखो। नहीं सब देख रहे हैं आपको। दक्षु इधर देखो। दक्षु हाँ शरारती। दक्षु हरलीन भी गई थी गुरुद्वारे, कैसा लगा हरलीन? मजा आया ना। बहुत दिन से सोच रहे थे गुरुद्वारे जाने का, सो आज फाइनली हम गुरुद्वारे हो गए। दक्षु का भी माथा टिकवा दिया। और दक्षु ना शरारतें बहुत कर रहा है, इसकी होने वाली है पिट्टी। अब इसकी पिट्टी शुरू हो जाएगी। गाइज एक्चुअली दक्षु के बर्थडे वाले दिन हम गुरुद्वारे गए नहीं थे, उस दिन सोचा हुआ था कि गुरुद्वारे जाएंगे माथा वगैरह टेक के और थोड़ा सा इसके नाम का मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ा देंगे गुरुद्वारे, तो उस दिन जा नहीं पाए थे। तो फाइनली फिर आज हमने डिसाइड किया कि गुरुद्वारे जाके फिर थोड़ा सा अरदास करवा के प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो वो जो उस दिन का बोला हुआ था फिर आज वो हमने पूरा कर दिया है, तो बहुत अच्छा लगा गुरुद्वारे जाके। और अभी बस सब आ गए हैं घर पे, पापा बाद में आए हैं, बस अभी कपड़े वगैरह चेंज करके फिर करेंगे हम डिनर। और हलीन क्या करेगी? कल हलीन का टेस्ट है। किस चीज का? आवाज नहीं आई किसी को, सुनाई नहीं दी किसी को, आवाज सुनाई नहीं दी यानी आपकी। हिंदी का टेस्ट है, अब रिवाइज है। हलीन तो बोलती नहीं, आवाज ही नहीं आ रही हलीन की। मैंने तो सोचा था हलीन को यूट्यूबर बनाऊंगी मैं। क्या हो गया? मैं बस वीडियो की एंडिंग कर रही हूँ। तो गाइस बस अभी डिनर का टाइम हो गया है और अभी बस मैं नहा के मैंने कपड़े चेंज किए हैं। लक्ष्मी के कपड़े भी चेंज करने बाकी हैं। ये एक्चुअली नहा रहा था, ओह नहा नहीं, ये एक्चुअली खेल रहा था बच्चों के साथ। तो फिर मैंने इसके कपड़े चेंज नहीं किए। वो देखो देख रहा है, अभी इसने देखा नहीं, ये देख लिया ना मेरी मम्मा को हगी कर रखी है भैया ने, फिर वो आके एकदम से चिपक जाएगा, है ना चैजू? तो गाइस बस अभी डिनर करेंगे, कपड़े वगैरह चेंज किए थे मैंने नहा के और बच्चों ने भी सब ने नहा लिया, बस दक्षु रह गया। मैंने सोचा चलो मतलब खाना वाना खा के फिर उसको बाद में इसके कपड़े चेंज करूँगी। तो आई होप आपको, हाँ जी बोलो बोलो बोलो। और गाइस हम रात को साइकिल भी चलाते हैं। साइकिल रात को चलाते हो? अच्छा रात को तो हम नाइट वॉक करने जाते हैं, मैंने देखा नहीं आपको साइकिल चलाते हुए रात को। देख अच्छा, आप छोटी वाली साइकिल चलाते हो, बड़ी वाली नहीं चलाते हैं? बड़ी वाली
तो चलिए गाइज, ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंद्रजीत मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो या फिर नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय 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 गाइज। वो देखो पीछे का पीछे बाय हो रही है। दक्षु बाय। हरलीन और दक्षु बाय। Yeah!